मिनी मुंबई के नाम से विख्यात इंदौर शहर अब अपराध की राजधानी भी बनता जा रहा है। शहर में रोजाना हत्या, लूट, चोरी और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। ये मामला है जूनी थाना क्षेत्र में, जहां दो बदमाशों ने एक ऑटो चालक को जिंदा जलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक संतोष सवारी छोड़कर घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान प्रिंस और लोकेश नाम के दो बदमाशों ने संतोष पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी और भाग गए। परिजनों ने बताया कि पहले भी दोनों बदमाशों ने संतोष के साथ मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किन लोगों ने जलाया? ये लोकेश है और प्रिंस नाम है। कहां से जलाया? रातेर से। क्या वजह बनी? ये क्या लोग क्या कहां से? कब से परेशान कर रहे थे? पाँच दिन से, छह दिन से मार रहे थे उसको। पर पैसों लगते उसका पाँव भी बेचा कर दिया था, रिपोर्ट भी लिखवा के आया था थाने। कौन अपराधी लोग हैं? अपराधी पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी अभी? अभी इनकी क्या हालत है? अभी तो सीधे से डॉक्टर ने मना ही कर दिया, दवा दे दिया।